हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चले हम लोग शुरू करते हैं हमारी न्यू स्टोरी, एपिसोड नंबर 10, पार्ट 1, वन टेथ ऑफ वैम्पायर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि मॉन जो है अपने फ्रेंड के साथ लुका के पास आया है, और ये एक हेवन प्लेस है जहाँ लुका उनको काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है, और लुका के अट्रैक्शन की वजह से बाकी सब काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। एक रात पहले जिस दिन ये लोग आए थे, वहाँ पर दो लाशें मिलती हैं जो किसी और का काम नहीं, वैम्पायर का काम था उनकी मौत के पीछे। लुका जो है इन सबको ये चीज़ें बुलाना चाहता था, और वो चाहता था कि ये लोग यहाँ पर स्टे करें, इसलिए वो उस रात कुछ ऐसा करता है कि अर्ली मॉर्निंग ये सब कुछ भूल चुके होते हैं। तभी वो उनको लेकर सिटी को विजिट करवाने लेकर जाता है। उसने अपना घर सिटी से काफ़ी दूर बनाया था। सिटी में एंटर होते ही वो जगह सबको बहुत पसंद आती है। हर चीज़ स्नो से कवर थी, हर जगह बहुत ही खुशियाँ थी, और सब लोग जो है स्माइल करते हुए बाहर घूम रहे थे। लुका जो है इनको वहाँ के फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं था, वो एक शॉपिंग मॉल, म्यूजियम और रेस्टोरेंट भी था। तीन फ्लोर में मुश्तमिल था, जहाँ पर वो सबसे पहले थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। थर्ड फ्लोर पर वो सारे म्यूजियम देखते हैं। म्यूजियम में एक पिक्चर को देखते दौरान जो मन है उसको जॉन की याद आ जाती है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाती है, किसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसके माथे पर काफ़ी स्वेटिंग होती है। ये नोट करके जो लुका है उसके पास आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर मोहन हुआ क्या, बट मोहन जो है उसको नहीं बताती और जाकर बस स्टार को हक कर लेती है, और स्टार उसे मना करती है इसलिए कि स्टार उससे नाराज़ है। बट मोहन है कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो प्लीज़ मुझे हक करने दो। अब आगे सब जो है म्यूजियम में फैल कर म्यूजियम को देख रहे थे। कुछ देर बाद मोहन और स्टार भी म्यूजियम में घूमने लगते हैं। मोहन जो है स्टार का हाथ पकड़े हुए थी और बस उसके साथ रहना चाहती थी, बट स्टार जो है हक के बावजूद भी वो मोहन से नाराज़ थी, वही लियो के हाथ पकड़ने वाली बात से। इसलिए स्टार जो है अपना हाथ छुड़वा कर आगे की तरफ चली जाती है, और मोहन स्टिल उसका पीछा करती है। सडन मोहन को एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी फील होती है, जैसे कि कोई वैम्पायर यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से वो अपने आसपास देखती है कि शायद वो किसी को पहचान ले, बट उसको समझ नहीं आ पाती कि कौन ह्यूमन है और कौन इनमें से वैम्पायर। तभी जो है वो टी के पास आती है और कहती है, हमें यहाँ से जाना होगा अब इसी वक्त। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और स्टार जो है टी, लियो, मोस्की, कवर के साथ सबको लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करती है, बट सब वो नोट करते हैं कि यहाँ पर लुका नहीं है। मोहन जो है इन सबको कहती है कि आप सब जाकर गाड़ी में बैठो, मैं जाकर लुका को देखती हूँ, लुका कहाँ गया। वो लुका को ढूंढने की कोशिश करती है, बट लुका जो है पूरा म्यूजियम देखने के बाद उसको वहाँ नहीं मिलता। वो सब वापस गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठकर वो मोहन का वेट करते हैं। उन सबको उन्होंने एक ही गाड़ी में बिठा दिया था, और सारे जब इधर उधर गाड़ी को लॉक करके बस देख रहे थे और गाड़ी के नीचे की तरफ अपने आप को कवर किए हुए थे। टी जो है उसके हाथ में एक इंजेक्शन था जो वो सबसे छुपाए हुए सबकी सेफ्टी के लिए अपने हाथ में रखे था, इन केस अगर कोई वैम्पायर इन पे हमला करे तो वो इसके साथ अपना डिफेंस कर सके और बाकी सबको भी। लियो जो है टी के साथ बैठी हुई थी। लियो पूछती है कि आखिर हुआ क्या, अभी तो हम लोग म्यूजियम देख रहे थे, हम लोग ने तो खाना भी नहीं खाया, अब सडन यहाँ से जाने का प्लान क्यों। सब जो है ये आर्ग्यू करते हैं। मॉस्की और कवर समझ चुके थे और टी भी ये बात जान चुका था। रही बात स्टार और लियो की, स्टार जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है, लियो एक्चुअली में ना वो ये उन्होंने सडन म्यूजियम बंद कर दिया, कोई ख़राबी आ चुकी है, इसी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोग कासल में जाकर करेंगे ना लंच, डिनर, सब कुछ। ये कहकर वो लियो को टाल देती है, और वो सब जो है काफ़ी डरे हुए थे इस बात से कि यहाँ पर कोई वैम्पायर उस पर अभी से वक्त हमला ना कर दे।
सबकी हार्ट जो है बहुत तेज बीट करता है और सबको बहुत बहुत स्वेटिंग होती है। स्टार जो है मन ही मन में काफ़ी घबरा रही थी मोन और लुका के लिए। लुका तो पहले ही नहीं मिल रहा था और मोन भी बाहर थी उसको ढूंढने के लिए, बट वो जानती है कि मोन जो है अपना डिफेंस कर लेगी। बट जब वो लास्ट सीन वाली बात हॉस्पिटल की याद करती है कि जिस तरह जॉन से उठा कर ले गया, ये बात उसे और वरीड कर देती है कि कहीं फिर से जॉन उसे उठा कर ले ना जाए। पिछली बार तो वो दोस्त था बट अब जो जॉन है वो दोस्त नहीं रहा। स्टार जो है ये सब सोच कर काफ़ी घबरा रही थी। तभी जो है वो नोट करती है गाड़ी के साइड मिरर पर कि गाड़ी के पीछे एक वैम्पायर अपने नुकीले दांतों के साथ, अपने नाखूनों के साथ गर्राते हुए उस म्यूज़ियम में दाखिल हो चुका है। मौन की फिक्र के लिए स्टार जो है उसको देख कर शाउट करती है और कहती है वो भी म्यूज़ियम में चला गया। डी स्टार को इस तरह बोलते हुए देखकर काफ़ी स्केयर हो जाता है, कहता है वो कौन। तभी स्टार जल्दी से गाड़ी को ओपन करके भागते हुए सीधा म्यूजियम में चली जाती है। मोन के लिए वरीड होती है क्योंकि मोन और लुका अभी भी दोनों अंदर ही थे म्यूजियम के। स्टार जो है बस भागते हुए म्यूजियम में चली जाती है मोन के लिए और डी उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो तब तक जा चुकी थी। तभी टी जो है बाकी सब को नोट करते हुए कहता है कि आप सब जल्दी से कासल की तरफ जाओ और हो सके तो वापस मुड़ के ना आना, मैं इन सब को लेकर आता हूँ। तभी लियो टी का हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं आप क्या, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे टी, मैं कह रही हूँ ना कुछ तो है जो यहाँ अजीब है और सब जो है भाग रहे हैं, ऑलरेडी सब जानते हैं हम लोग यहाँ न्यू हैं, पता नहीं क्या अंदर परेशानी है, तो अभी आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे साथ वहाँ जाओगे कासल में। तभी कवर कहता है नहीं लियो, जैसा टी कह रहा है वैसे हमें करना चाहिए, हम तीनों चलते हैं। टी की बात मानकर कवर, मौसकी और लियो वहाँ से चले जाते हैं। टी भी म्यूजियम में चला जाता है। म्यूजियम में अंदर जाने के बाद ज़मीन पर इंसानी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसको देखकर जो डी है काफ़ी वरीड होता है। उसकी हार्ट बीट बहुत बहुत तेज़ होती है और वो काफ़ी डर जाता है। और ये हालत, इतने सारे ह्यूमन को एक साथ खून पीने वाला कौन है आखिर, ये बात जानने के लिए वो बड़ा बेताब था। बट उससे पहले वो स्टार और मोन के लिए वरीड था कि आखिर वो दोनों कहाँ पर है। सबकी लाशों को वन बाय वन चेक करते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है और सीधा ऊपर जाकर थर्ड फ्लोर पे वो म्यूजियम में ही रुकता है। दोनों फ्लोर चेक करने के बाद उसको मून स्टार लुका कहीं नहीं मिलते। वो अपने राइट हैंड में इंजेक्शन को प्रॉपर पकड़े हुआ था और वो रेडी था इन केस कोई भी उसे मिले तो उसकी बॉडी में जस्ट इंजेक्ट करते। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि जैसे अभी हार्ट बाहर आ जाएगा। वो काफ़ी काफ़ी डरा हुआ था बट वो अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा वरीड था, इसी वजह से वो म्यूजियम के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ लियो, मौसकी और कवर कासल की तरफ जा रहे थे और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कासल में जाते साथ ही वो प्रॉपर लॉक कर लेते हैं घर के सारी खिड़कियाँ दरवाज़ों को वो बंद कर देते हैं और वो भी काफ़ी वरीड थे। और वो बार बार लियो जो है टी को, मोन को, स्टार को कॉल करती है कि वो उन सब के बारे में जान सके आखिर ये है कहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम में। म्यूजियम में इस वक्त काफ़ी सन्नाटा था, सारी लाइट्स बंद थी, हर जगह बस खामोशी थी और बस हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। टी को कहीं पर भी मोन और स्टार और लुका नहीं मिलते। आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चलते हुए टी जो है एक के बाद एक लाश के ऊपर से गुजर के जाता है। वो इस तरह ह्यूमन डेड बॉडीज उसने कहीं नहीं देखी थी। इतने सारे लोग मर चुके हैं और इन सबको खून करने वाला एक वैम्पायर ही है। ये सब उसको ज़्यादा स्केयर करता है कि आखिर वो जब इसके सामने आएगा तो वो क्या करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सडन से टी जो है फील करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। टी की हाथ पीट बहुत बहुत तेज हो जाती है और उसकी बॉडी जो है शिवरिंग करना शुरू होती है। बहुत ही
आराम से वो टर्न करके देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ा रिलैक्स होता है कि यहाँ कोई नहीं है। फिर वो जब वापस से टर्न करता है तो उसके ठीक आगे वैम्पायर खड़ा हुआ था। वो ब्लैक हुडी पहने अपने दांतों को दिखाए हुए, उसके माउथ जो है पूरा ब्लड से भरा हुआ था। ये देखकर टी जो है काफ़ी डर जाता है। उसके हाथ पांव बहुत बहुत कांपते हैं और वो बस इंजेक्शन जो है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। और बस वो वैम्पायर कुर्राते हुए अपने नाखूनों को दिखाते हुए बस टी की तरफ ही बढ़ रहा था और टी जो है डर के मारे बस नीचे ही गिर जाता है। दूर खड़ी एक कबर्ड में से थोड़ी सी रोशनी से स्टार जो है ये सब कुछ देख रही थी। टी को देखकर स्टार शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। ये देखकर स्टार जो है काफ़ी वरीड होती है कि वो वैम्पायर इसी की तरफ आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे उसे बचाना होगा। ये कहकर स्टार जो है जल्दी से कबर्ड को खोल कर भागते हुए बस वो इंजेक्शन पकड़ के जल्दी से आकर उस वैम्पायर की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। वैम्पायर बस अपने टारगेट पर ही निशाना रखता है। वो बस टी की तरफ ही फोकस करता है। उसको नहीं पता चलता कि कब स्टार जो है भागते हुए जल्दी से आकर उसकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करके थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है। स्टार ने ये सब कुछ बहुत जल्दी में किया और उस वैम्पायर का फोकस तो टी पर था, इसलिए वो नहीं जान सका। दूसरी तरफ टी जो है नीचे क्रॉल करते हुए पीछे पीछे की तरफ जा रहा था। वैम्पायर की बॉडी में इंजेक्शन इंजर्ट हो चुका था पर उसके वायरस को यानी कि जहर को असर करने में कुछ सेकंड लगते हैं और वैम्पायर बस वॉक करते हुए टी की तरफ ही आ रहा था। टी के पास आकर उसके शोल्डर से पकड़ के उसको हवा में उठाकर उसके नेक की तरफ ही जाता है कि वो फाइनली इंजेक्शन जो है अपना असर करना शुरू हो जाता है। तभी वो जल्दी से वैम्पायर टी को छोड़ देता है। टी ज़मीन पर गिरता है और स्टार को दीवार के साथ लगे हुए बस टी को ही देख रही थी। स्टार ने जो एक्ट किया वो बहुत ब्रेव था बट आखिर वो भी एक ह्यूमन है, वो भी काफ़ी डर चुकी थी। और वो टी को इतने पास वैम्पायर के उसके नेक के पास बस वो बाइट करने ही वाला था। थैंक गॉड के फाइनली उस इंजेक्शन ने अपना असर किया और उस वैम्पायर की बॉडी में सेंसेशन शुरू हो गई और वो अपनी बॉडी को कुचलाते हुए बस नीचे गिर जाता है। उसके हार्ट में काफ़ी पेन होता है और वो वैम्पायर उसी टाइम वहाँ पर मर जाता है। मरने से पहले वो वैम्पायर बहुत बहुत तेज गुर्राता है कि उसकी गुर्राने की आवाज़ उसके बाकी साथियों पर पहुँच जाती है। थोड़ी दूर कुछ रूम में दो वैम्पायर और थे जो ये गुर्राने की आवाज़ सुनकर भागते हुए बस उस रूम में आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस रूम में उनका दोस्त वैम्पायर ज़मीन पर गिरा मर गया था और उस रूम में टी और स्टार ही मौजूद थे। ये देखकर वो भागते हुए बस इन दोनों पर हमला करते हैं। उसी टाइम वहाँ पर एंट्री होती है मोन की। मोन भागते हुए जल्दी से सबसे पहले स्टार को बचाती है। उस वैम्पायर को गले से पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ वो टी के पास स्पीड यूज़ करते हुए जाकर उस वैम्पायर को किक मार के दूर कर देती है। मोन जो है स्टार और टी को अपने पीछे छुपा लेती है और वो दो वैम्पायर जो है अब इकट्ठे ही हमला करते हैं मोन पर। मोन पर दोनों हमला करके मोन को क्रैक कर लेते हैं। असल में मोन जो है अपनी बॉडी में अगेन काफ़ी वीकनेस फील करती है। ह्यूमन ब्लड ना पीने की वजह से उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल होने लगती है और उस वीकनेस की वजह से वो उन दो वैम्पायर का इकट्ठे वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। मोन जो है काफ़ी कोशिश करती है बट वो दोनों वैम्पायर मोन को उसके गले से पकड़े हुए थे। उनके नुकीले नाखून मोन की गर्दन पर लग रहे थे जैसे कि वो बस अभी ही मोन की गर्दन को तोड़ कर उसे फेंक देंगे दूर। बट मोन भी अपनी पूरी कोशिश करके उन दोनों वैम्पायर की गर्दन से पकड़े हुए थे बट मोन जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पा रही थी। तभी वो बहुत ही मुश्किल से मोन बोलती है स्टार और टी को, तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊँगी, अभी इस वक्त यहाँ से चले जाओ।
वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तभी स्टार जो है पास में पड़ी एक तलवार को पकड़ के एक वैम्पायर के हाथ पर हमला कर देती है और उसका हाथ काट देती है। दूसरी तरफ दोनों वैम्पायर अब स्टार की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोन जो है जब उन दोनों वैम्पायर ने उसकी गर्दन छोड़ी तो मोन थोड़ा रिलैक्स होती है और वो नीचे गिर जाती है और वो बहुत तेज़ ब्रीथ करती है। उसकी नेक से खून निकल रहा था और वो अपनी बॉडी में बहुत वीकनेस फील करती है कि वो ठीक से उठ भी पा नहीं रही थी। क्रॉल करते वो बस मून स्टार की तरफ जाती है ताकि वो उसे बचा सके। टीचू है भी इस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो कुछ एक्ट कर सके। वो बस दीवार के साथ खड़े हुए कांप रहा था जैसे कि वो सुन हो चुका हो। वो अपने होश में नहीं था और वो वैम्पायर के नुकीले दांत और उस वैम्पायर को इस बिहेव में देखकर काफ़ी शॉक था कि वो कोई मूव नहीं करता। दोनों वैम्पायर स्टार की तरफ ही बढ़ रहे थे। मोन जो है कोशिश करके क्राउल करते हुए एक वैम्पायर की टांग से पकड़ लेती है बट वो वैम्पायर मोन की नेक पर अपनी टांग को रख देता है। उसे ज़ोर से दबाता है, उसको मारने की कोशिश करता है और दूसरा वैम्पायर बस स्टार की तरफ जाकर उसको गर्दन से पकड़ने ही वाला था। तभी एंट्री होती है एक और रूम में। कोई जल्दी से आकर उन दोनों वैम्पायर को गर्दन से पकड़ कर उनकी गर्दनों को तोड़ के वहाँ से बस जल्दी से चला जाता है। ये एक्ट बहुत ही बहुत फास्ट था। ये देखकर मॉन स्टार कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये रूम में हुआ क्या। वो वह बस जल्दी से आया, हवा की तरह उन दोनों वैम्पायर को गर्दन से पकड़ा, तोड़ा और बस वहाँ से चला गया। और रूम के पास खड़े होकर बस एक बार टर्न करके वो मोन और स्टार की तरफ देखता है कि ये दोनों सेफ हैं और ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। ये वही हुडी पर्सन था जिसने जॉन के सारे साथियों को मार दिया और अभी मोन और स्टार की जान बचाने वाला भी वही हुडी पर्सन था। तभी मोन जो है क्रॉल करते हुए स्टार के पास आती है। स्टार जो है अभी भी काफ़ी शॉक में थी और वो बस जल्दी से मोन को आकर पकड़ लेती है और कहती है, मोन क्या आप ठीक हो ना। मोन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप स्टार अपने बारे में बताओ, ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी, उन्होंने बाइट तो नहीं की। असल में उनकी बाइट का ज़्यादा इशू है। अगर वो लोग बाइट कर लेते हैं, अगर वो पूरा ब्लड पीते हैं तो इंसान जिंदा नहीं रहता। अगर वो सिर्फ बाइट करते हैं तो वो भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर वो दोनों वैम्पायर मून को या स्टार को बाइट कर लेते तो स्टार भी उनकी तरह वैम्पायर बन जाती और मून जो है उसको बाइट करते तो मून की जान चली जाती। स्टार जो है वहाँ से पड़ी एक बोतल को पकड़ के टी की तरफ पानी फेंकती है। पानी जब टी के मुंह पर पड़ता है तो टी फौरन से होश में आता है। वो भी शॉक था कि आखिर ये सब हुआ क्या। जब वो होश में आता है तो अपने आसपास देखता है कि वो तीन वैम्पायर मर चुके हैं। टी जो है अभी भी शॉक में था कि उसके हाथ पांव शिवर कर रहे थे। कांपते हुए वो बस जल्दी से स्टार और मून को देखता है, कहता है, आप दोनों तो ठीक हो ना, आखिर में ये सब। वो काफ़ी घबराया हुआ था। स्टार जो है कहती है, टी कुछ नहीं हुआ, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो, टी को सहारा देते हुए वो उसको उस रूम से लेकर जाती है गाड़ी के पास और उसको गाड़ी में बैठा कर वो वापस मोहन के लिए आती है। मोहन काफ़ी वीकनेस फील कर रही थी। सहारा लेते हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता से गेट के पास पहुंच चुकी थी बट जल्दी से वो स्टार आकर उसे सहारा देती है और उसको गाड़ी के पास लाकर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो कासल की तरफ जाती है। आखिर स्टार जो है स्टिल मोन और टी के लिए वरीड थी क्योंकि मोन काफ़ी बॉडी में वीकनेस फील कर रही थी और टी जो है अभी इस हालत में नहीं था। वो अभी भी शॉक में था, वो कोई मूवमेंट नहीं करता, बस गाड़ी में बैठे हुए सामने सामने की व्यू की तरफ देखता है। स्टार जो है ड्राइव करते हुए सीधा कासल की तरफ ही जाती है। अभी भी वो वरीड थी लूका के लिए कि लूका इनको अभी तक नहीं मिला। मोहन जो है कहती है, स्टार गाड़ी को रोक दो, लूका अभी भी हमारे साथ नहीं है। तभी स्टार कहती है, नहीं, आप दोनों को वहाँ छोड़कर हम लोग अब कल सुबह ही लूका के लिए निकलेंगे क्योंकि
क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है और अभी आपको जानते हो अभी 3 वैम्पायर से हम लोग फाइट किए हैं। थैंक गॉड कि उस पर्सन ने आकर हमें बचा लिया। हम लोग ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते और अगर हम लोग इस टाइम दोबारा निकलेंगे लुका के लिए तो मसला हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा देर तक इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग बहुत स्ट्रांग है, हमें बैकअप चाहिए। ये कहते हुए वो ड्राइव करती, बस मुन की बात को इग्नोर करते हुए सीधा कासल की तरफ ही जाती है। कार जो है ड्राइव करते हुए सोच रही थी कि आखिर वो हुडी पर्सन कौन है जिसने आकर हमारी जान बचाई। असल में वो बहुत पावरफुल है, मे बी वो भी वैम्पायर हो जिसकी वजह से। बट अगर वो वैम्पायर है तो उसने हमारी जान क्यों बचाई? उसको तो इन वैम्पायर का ही साथ देना चाहिए और हम पर हमला करना चाहिए। आखिर वो कौन था? ये सब सोचते हुए मून जो है ड्राइव करते हुए सीधा कासल की तरफ ही जाती है। कासल में पहुंचने के बाद बाकी सारे फ्रेंड्स को देखकर वो काफ़ी हैप्पी होते हैं। टी, मोस्की, लियो, कवर, स्टार, सब इन सबको सहारा देते हुए इनके रूम में ले जाते हैं। तभी जो है लियो टी के पास आती है और उससे उसके बारे में पूछती है। टी अब थोड़ा सा बेहतर हो चुका था कि अब वो बात कर सकता था, बट उसकी बॉडी और उसका माइंड अभी भी शॉक में था। लियो जो है उसको सहारा देते हुए उसको रूम में ले जाती है और कहती है टी को रेस्ट है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं इसको लेके जा रही हूँ, हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर वो उसे ले जाती है। दूसरी तरफ मॉन, कवर, स्टार और मॉस्की रूम सोफे पर बैठे हुए बस आज जो कुछ हुआ ये सब कुछ सोच रहे थे। स्टार जो है सारा सिनेरियो बताती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, आखिर वो कारी को छोड़कर क्यों भागी और वहाँ पर किसने आकर जान बचाई। सारी बात जानने के बाद कवर जो है इस नतीजे पर पहुँचता है, कहता है कि आखिर में वो जो ह्यूमन जिसने आकर जान बचाई, मुझे लगता है वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, मे बी वो भी वैम्पायर ही है। बट अगर वो वैम्पायर है तो उसे आप लोगों की साइड नहीं लेनी चाहिए थी, उनको तो बल्कि आप पर हमला करना चाहिए था। ये बात वो सारे डिस्कस करते हैं। तभी जो है कासल पर नॉकड होता है और सारे जो है इस दरवाजे की नॉक सुनकर काफ़ी वरीड होते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आज का एपिसोड काफ़ी हॉरेबल रहा, बहुत बार सारे जो फ्रेंड्स हैं मॉन के सेफ हैं, कासल में पहुँच चुके हैं, बट लुका अभी भी मिसिंग है। आखिर लुका है कहाँ और वो वुडी पर्सन कौन है जिन्होंने आकर इन सबको बचाया? ये सब जानेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो विद द न्यू स्टोरी एंड ट्विस्ट। बाय बाय।